Friends, welcome to my channel. I am Akshay Budular and you are watching Physics Corner. In this video, we will discuss some important examples of a number series formation. जो भी इसके पहले वीडियो थे, वीडियो नंबर 1 और 2 में अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस एंड सीरीज सीखे थे. तो इस वीडियो से अपन एग्जांपल शुरू करेंगे. तो देखिए पहला एग्जांपल क्या देख रहे हैं. 1, 2, 4, 7 और 11. तो देखिए इसमें नहीं गया अपन पिरामिड मेथड यूज करेंगे. कौन सा पिरामिड मेथड. अब ये पिरामिड मेथड होता क्या है. तो देखिए जैसे कि 1, 2, 4, 7, 11 उसके बाद उन्होंने पूछा है. तो देखिए 2 और 1 के देखिए 2 सक्सेसिव हुए. ये इसका पीछे क्या है. तो देखिए 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, 4 माइनस 2 7 माइनस 4 3, तो 11 माइनस 7 4. तो अब देखिए अपने को पता नहीं है. अपन देखिए ये डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया 2 माइनस 1. अब ये डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया 4 माइनस 2. ये डिफरेंस 7 माइनस 4 ऐसे फाइंड आउट कर रहे. तो देखिए अब ये जो डिफरेंस है ये कैसे फाइंड आउट कीजिए. देखिए अपने को पता नहीं तो एक्स माइनस 11 इक्वल्स टू. लेकिन ये तो पता है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे 5 होने वाला है. Therefore, x equals to 11 plus 5. Therefore, x equals to 16. x equals to 16. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16. आए ध्यान में पिरामिड मेथड कैसे रहते हैं. जो भी कॉन्जुगेटेड टर्म्स रहते हैं उनका डिफरेंस लेते जाना. फिर बाद में जो भी अपने को पूछा है दैट समथिंग माइनस पीछे वाला इक्वल्स टू जो अपने को अब पता है कि नीचे ये आने वाला है. अब देखिए पिरामिड मेथड. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, शायद अगले एक दो एग्जांपल में भी यूज भी हो सकता है. अब देखिए सेकंड 3, 4, 6, 7, 9, 10. तो देखिए अपन ने ट्विन सीक्वेंस सीखा था. तो देखिए यहाँ पे ट्विन सीक्वेंस 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद क्या आएगा, कितने का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें 3. तो 3 में ऐड किया तो क्या बन गया 6. 6 में 3 ऐड किया तो क्या बन गया 9. 9 में अगर 3 ऐड किया तो क्या बन जाएगा 12. क्या बन जाएगा 12. फिर बाद में ये देखिए दूसरा 4, 7, 10 और क्या. तो देखिए 4 में 3 ऐड किया तो 7 बन गया, 7 में 3 ऐड किया तो 10 बन गया, 10 में अगर 3 ऐड किया तो क्या बन जाएगा 13. तो दैट इज नथिंग बट देखिए ट्विन सीक्वेंस था लेकिन उसमें कौन सी सीरीज थी, अरिथमेटिक. अरिथमेटिक सीरीज में क्या रहता है, जो भी कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस एक तो ऐड हो सकता है नहीं तो सब्ट्रैक्ट. इतना सिंपल था. फिर इसके बाद देखिए थर्ड एग्जांपल 15, 18, 24, 33. तो अब देखिए इसमें भी पिरामिड. देखिए 18 माइनस 15 डिफरेंस 3, 24 माइनस 18 6, यस, और इसमें 9. तो इसमें कितना रहेगा 3, 6, 9, 12 रहेगा. अब देखेंगे देखिए x माइनस 33 इक्वल्स टू 12. देयरफॉर x इक्वल्स टू 33 प्लस 12. तो ये बन गया 5, ये बन गया 4. तो नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा 45. आ गया ध्यान में. देखिए ये है पिरामिड मेथड. ये कौन सी मेथड है, पिरामिड मेथड. इजी थी, जो भी कॉन्जुगेटिव नंबर था उनमें डिफरेंस फाइंड आउट करना फिर तो आपको जम जाएगा. अब देखिए फोर्थ एग्जांपल 12, 19, 33. What is the next in between 33 and 82? तो देखिए इसमें भी कॉमन डिफरेंस निकाल के देखिए बड़ा 19 माइनस 12 7, 33 माइनस 19 24. अब देखिए समथिंग माइनस 33. अब क्या आएगा इसके बाद 7 into 2 14 23 equals to 20 sorry 21. Therefore x equals to 33 प्लस 21, 3 प्लस 1 4, 5 यानी कि 54.
अब देखिए ये प्रीडिफाइंड रूल आगे देखिए होता है कि नहीं, 82 माइनस 54 यहाँ पे 28 आना चाहिए, 12 माइनस हाँ 8 वन गया चला गया 28, दैट्स राइट। यानी कि यहाँ पे भी पिरामिड सीरीज की मेथड इतना इजी है। तो पिरामिड देखिए, पिरामिड जो मेथड है वो काफी जगह यूज हो रहा है। अब देखिए लास्ट वन, 3, 7, 13, 27 and 53, व्हाट इज द नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे 3 × 2 + 1 = 7 हो गया, 7 × 2 - 1 = कितना हो गया 13, फिर बाद में 13 × 2 + 1 = 27, 27 × 2 - 1 = 53, 53 × 2 + 1 = 107, यहाँ पे क्या आ जाएगा 107। तो देखिए ये था भाई ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक प्लस अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक प्लस अरिथमेटिक। ज्योमेट्रिक में ज्योमेट्रिक क्यों कहा, क्योंकि देखिए पहले अपन ने जो भी कॉमन रेशियो था उससे सभी इसमें देखो मल्टीप्लाई कर रहे, सभी इसमें मल्टीप्लाई। और अर्थमेटिक में क्या रहता है, जो भी कॉमन डिफरेंस है वो एक तो ऐड कर दे नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर दे। इतने इजी थे पांच ही भी प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट वीडियो में और प्रॉब्लम्स देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।